नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। जहां एक तरफ देश कोरोना जैसी महामारी से निपटने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं जामिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको भी हैरान कर देगी कि आखिर एक जाने मानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब इस्लामिक कट्टरपंथ के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। सबसे पहले आप इस ट्वीट पर निगाह डालिए। इस ट्वीट में लिखा है कि 15 गैर मुस्लिमों को छोड़कर मेरे सभी छात्र पास हुए, सीए प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले 55 स्टूडेंट मेरे साथ थे, अगर प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता तो हम आपको सबक सिखाते। उन्होंने आगे लिखा कि कोरोना की वजह से विरोध के प्रदर्शन मिट गए, मुझे नहीं पता कि क्यों वो मुझसे नफरत करते हैं। इस नफरत भरे ट्वीट के अंत में नफरत की वजह पूछने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम अबरार अहमद है। प्रोफेसर साहब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करते हैं, चाहे शिक्षक हो या प्रोफेसर, इन सभी का दायित्व है कि छात्रों को नैतिकता की तालीम देकर उनके भविष्य को उज्जवल करना, और ये सब बिना किसी भेदभाव के किया जाता है। मगर प्रोफेसर अबरार अहमद के ट्वीट ने तो तालीम की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। जहां एक तरफ प्रोफेसर साहब 15 गैर मुस्लिम छात्रों को फेल करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सीए प्रोटेस्ट में गैर मुस्लिम छात्रों ने उनका सपोर्ट नहीं किया था। फिर क्या था, प्रोफेसर साहब की इस तरह की मानसिकता ट्विटर पर भयंकर तरीके से ट्रोल हो गई। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से प्रोफेसर को जमकर गरियाया, और असल में प्रोफेसर की परिभाषा क्या होती है वो भी याद दिलाया। जब प्रोफेसर साहब ने देखा कि अब तो बुरे फंस गए, तो उन्होंने तुरंत एक और ट्वीट करते हुए सफाई दे डाली। ट्वीट में लिखा कि मैंने जो पोस्ट लिखा था उसके जरिए मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह सरकार सीए और एनआरसी के प्रदर्शन के समुदायों में भेदभाव करती है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई और ना ही ऐसा कोई रिजल्ट आया है। खुद को संभालो, बस एक मुद्दे को समझना है, मैं कभी भेदभाव नहीं करता। प्रोफेसर साहब के दूसरे ट्वीट से तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पहले ट्वीट में मजाक किया था, क्योंकि उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में दावा किया है कि वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं, ना ही किसी परीक्षा में उन्होंने किसी को फेल किया है। खैर, उनका ये घटिया मजाक सोशल मीडिया के यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और रिएक्शन का अंबार लग गया, जिसके बाद मैंने भी उनका ट्विटर चेक किया जो कि अब एक्सेस नहीं हो रहा है। जी हाँ, प्रोफेसर साहब ने अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर दिया है, लेकिन इसके पहले ही जामिया की बदनामी हो चुकी थी और लोगों ने ट्वीट के स्क्रीनशॉट ले लिए थे, जिसके चलते जामिया प्रशासन को प्रोफेसर अबरार अहमद पर कार्रवाई करनी पड़ी। जामिया के आधिकारिक ट्विटर से ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है कि जामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अबरार अहमद ने सार्वजनिक डोमेन में एक परीक्षा में 15 गैर मुस्लिम छात्रों को फेल करने को लेकर ट्वीट किया। ये CCS कंडक्ट रूल्स के तहत सांप्रदायिक द्वेष को उकसाने वाला एक गंभीर कदाचार है। विश्वविद्यालय ने उन्हें जांच होने तक निलंबित कर दिया है। इस तरह से प्रोफेसर साहब को उनका किया गया मजाक उन पर ही भारी पड़ गया और जामिया प्रशासन की तरफ से जांच होने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन प्रोफेसर के इस ट्वीट को सिर्फ मजाक के तौर पर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि अबरार अहमद नाम का ये शख्स ट्विटर पर जाकिर नायक को फॉलो करता है और उसकी विचारधारा भी कट्टर इस्लामिक है। वो इससे पहले भी हिंदुओं को लेकर भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका है। अपनी एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर यहाँ की महिलाओं का क्या होगा, अधिकतर बलात्कार आरोपित वही हैं जो हिंदू राष्ट्र या फिर रामराज की बात करते हैं। वैसे प्रोफेसर को निलंबित करने से ही बात नहीं चलेगी, इन पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि आगे से कोई भी इस तरह का नफरती जहर घोलने की कोशिश भी ना कर पाए। या गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर प्रोफेसर अबरार की जगह कोई हिंदू प्रोफेसर ऐसा करता तो अब तक बवाल मच गया होता और लिबरल गैंग हायतोबा मचा देता। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोफेसर अबरार के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है, क्योंकि छात्र तो वही सीखेंगे जो उन्हें अबरार अहमद जैसे प्रोफेसर सिखाएंगे। प्रोफेसर अबरार को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।